खुद के बाल खुद पकड़ के रो रही है, देखना। नमस्ते मनुली टकुली, हमारी बेबी नानी के पास बैठी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल अभी मैं नोबिता को लेकर आया हुआ हूँ घुमाने के लिए, और घर में काम वाली आंटी भी लगवा ली हैं 1 जून से, तो वो घर में आते हैं सुबह, झाड़ू पोछा कर देते हैं, तो बेबे की हेल्प हो जाती है इससे। और जब हम यहाँ पर आएँगे दोबारा, अभी तो प्रभ ने वापस घर जाना है ना, जब यहाँ पर आएँगे तो फिर एक फुल टाइम भी हम ढूंढ रहे हैं, और सुबह ये कर दिया करेंगे, एक फुल टाइम वो काम कर दिया करेंगे, तो बेबे को आसानी हो जाएगी और बेबी को संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा, इस तरह का विचार है। क्योंकि जॉब तो करनी है दोनों ने। धागे दोस्तों, मक्की की खेती हुई है, ये मक्की लगी भी हुई है, देखो बड़े बड़े मक्की के दाने, पॉपकॉर्न्स, यहाँ पे पॉपकॉर्न्स लगे हुए हैं। ओहो, और नोबिता हमारा घूम रहा है। पहले इन्होंने आलू की फसल की थी, अब उसके बाद ये अब पॉपकॉर्न लगा रखे हैं इन्होंने। और आज 4 जून है, जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो 5 जून, सभी को रिजल्ट पता लग ही गया होगा, और अभी सुबह है तो आज नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट कभी नहीं हुई, मतलब कि शायद अब समझ आने लग गई है वोटिंग की, है ना। वोट तो पहले से डाल रहा हूँ जब से 18 साल का हुआ हूँ, और अभी रिजल्ट की इतनी एक्साइटमेंट है कि सभी लगे हुए हैं रिजल्ट क्या आएगा, कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ फेर बदल हो सकता है इस बार। और सुबह से ही अब शुरू हो जाएगा रिजल्ट आना, टीवी पे आवाज़ें आएंगी, सोशल मीडिया पे शोर मचेगा, और होप सो जो भी हो हमारे देश के लिए अच्छा हो, जिसकी भी सरकार बने और देश तरक्की करे, आगे बढ़े, यही उम्मीद है। क्योंकि आम आदमी किसी एक सरकार का नहीं होता, उसको ये नहीं होता कि ये ही बने ये बने, पर ये होता है कि हाँ जो भी बने वो देश का भला करे और देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए, है ना। तो देखते हैं रिजल्ट, और ब्लॉग के एंड तक तो पता लग ही जाएगा कि कौन जीत रहा है। पूरा दिन आज यही चलने वाला है। टाइम टाइम सामने नया स्टेप देखा तुमने? नहीं, सामने वाला गाना आया है। अब ये चलेगा इंस्टाग्राम पे। तो ये देखो हमारी बिटिया रानी कितने मजे से सो रही है, और ये देखो प्रभ का, प्रभ का क्या ये बिजनेस है, ये खाना चाय के साथ है। दोस्तों घर से ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, आज दूसरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो स्विफ्ट है वो घर में चाहिए, और प्रभ को ये गाड़ी चलानी आती नहीं है, प्रभ को ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, और कोई है नहीं। पहले से तो ठीक है वो, और 1.25 महीना हो भी गया है, तो वो गाड़ी चला ही लेंगे ढंग से। अगर वो दूसरे तीसरे दिन गाड़ी थोड़ा सा लेके जा सकते हैं तो अभी तो चला ही सकते हैं, और मैं दो दो जगह तो हो नहीं सकता हूँ, एक जगह ही हो सकता हूँ, अभी जॉब पे जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी आज गुड़िया को हॉस्पिटल दिखाना है, वो प्रभ दिखाएंगे, और हमारे एक सुनीता भाभी जो घर में भी आए थे ना नामकरण वाले दिन, उनके साथ एक बहुत बुरी दुर्घटना हो गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरह। वो स्कूटी सीख रहे थे इसी रोड पे जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, पता नहीं उनकी टक्कर होगी बहुत बुरी तरह कहीं से, क्योंकि नए नए सीखता जब आदमी, उसको पता नहीं लगता, वो रेस ब्रेक की जगह रेस ही दे देता है, ये अक्सर होता है, मेरे पापा से भी हो जाता कई बार, तो उन्होंने कहीं रेस रूस दे दी और कहीं बच गए, और पता नहीं उनका मुँह पूरा ऐसे कट गया यहाँ से। और कल प्रभु और मैं गए भी थे उनका हाल चाल पूछने, देखा तो बहुत बुरा लगा। अभी अभी आए थे वो हमारे घर में, बिल्कुल ठीक ठाक थे, और देखो कभी भी कैसे दुर्घटना हो जाती है। तो हमने उनको ये कहा कि उनके सिर पे भी चोट लगी थी, उन्होंने सीटी स्कैन नहीं करवाया, यहाँ पे तो टांके लग गए हैं पूरे मुंह पे, तो हमने कहा था कि सीटी स्कैन ज़रूर करवा लो, क्योंकि सिर की चोट का कुछ नहीं पता होता। जब से लवी ने मेरे को अपना इंसिडेंट बताया तब से मैं हर एक किसी को सजेस्ट करता हूँ, अगर थोड़ी भी चोट सिर पर लगे तो सीटी स्कैन ज़रूर करवाओ, क्योंकि उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर खून का धक्का जम गया तो ट्यूमर पहुँच जाता है। तो फिर आज उनको भी साथ लेके जाएंगे, वो उनका सीटी स्कैन भी करवाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, मेरा घर में होता तो मैं ज़रूर जाता यार, मगर अब क्या करूँ, मेरे को ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो फिलहाल ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, पहुँच गया हूँ जॉब में। जैसे कि हमारी दूसरी गाड़ी है स्विफ्ट, वो तो यहाँ पे रजिस्टर है यूनिवर्सिटी में ना, तो उसको गेट पे रोकते नहीं है, और इस गाड़ी को भी नहीं रोकते वैसे, तो मैंने ये पहन लिया था गले में तो, मगर फिर भी इसका गेट पास अलग से बनवाना पड़ता है, कि इनकी जानकारी में हो कि जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है उसका गेट पास बना हो। कांड और बताऊं तगड़े वाला, ये जो चाबी देख रहे हो ना, ये प्लॉट की चाबी है, एक चाबी इस गाड़ी में है और एक चाबी दूसरी गाड़ी में रह गई है।
अभी जब आ रहा था मैं, तो प्लॉट की चाबी खोल के गाड़ी में रख देते थे क्योंकि गाड़ी अंदर वापस करनी होती थी। तो मम्मी का कॉल आया कल कि बेटा चाबी भी साथ में ले गए हो, दोनों चाबियां ले गए हो। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो कह रही फिर पौधों को पानी कैसे डालें, तो अब ये बड़ा मुश्किल हो गया, पौधों को पानी नहीं पड़ रहा होगा वहाँ पे, और ये दोनों चाबियां मेरे पास आ गई हैं। ऐसी ऐसी गलतियां मेरे से हो जाती हैं, आपसे भी होती हैं ऐसी स्टूपिड थिंग्स, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये देखो दोनों चाबियां, एक गाड़ी इसमें एक उसमें, और मैं सोच रहा था पापा से बात हुई वो घर कब जा रहे हैं, तो अगर वो घर जा रहे हैं तो जल्दी मैं उनको दे देता, ऐसा मैंने उनसे बातचीत की है। वो कल शायद कल या परसों जा रहे हैं। आज तो माहौल पूरा गर्म है, देखो जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पे रिजल्ट देख रहा है, रुझानों को देख रहा है, कोई मोबाइल में देखने लगा हुआ है, कोई स्क्रीन पे लगा के देख रहा है। ये देखो दोनों अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग चैनल लगे हुए हैं कि कोई भी मौका छूट ना जाए, पता लग जाए। टक्कर पूरे कांटे की हो रही है, मतलब कि अब क्या ही बताएं क्या हो रहा है। इस चले गए हैं जॉब पे और मैं हो गई हूँ नहा के तैयार, क्योंकि तब बेबी सो रही थी तो मैंने कहा फटाफट से उसका फायदा ले लिया जाए। तो अभी हमारी बेबी की होने लगी है मसाज, इसको मसाज करके नहला के फिर मैंने और मम्मी ने इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, आज इसका चेकअप करवाना। हेलो बेबी मोशी, हाय बोल दो, बोलो हेलो दोस्तों, जल्दी फॉलो कर लो। तो दोस्तों हम तैयार होके निकल गए हैं घर से, तो हमारे साथ भाभी भी चल रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में भाभी का हो गया एक्सीडेंट और भाभी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, उनके पूरे फेस पे स्टिचेस लगे हुए हैं और सिर पे भी चोट लग गई थी, तो हमने सोचा सीटी स्कैन करवा लेनी चाहिए। तो आज मैं मूशी को लेके जाने वाली थी डॉक्टर के पास, तो हमने कहा कि चलो भाभी भी साथ में चलते हैं तो इनको भी दिखा लेंगे। अब पहले हम मूशी को चेक करवाएंगे, उसके बाद फिर भाभी को लेके हॉस्पिटल चलेंगे। डॉक्टर कहते हैं हमारी मूशी बिल्कुल ठीक है, हमारी मूशी को कुछ नहीं हुआ है। आय हाय, स्माइली करती है मेरी बेटी, सोनी सी बेटी। तो अभी हम जा रहे हैं, मूशी को चेक करवा लिया है और इधर अब हम जा रहे हैं भाभी को लेके। मम्मी को देखो जरा आप, काला चश्मा, आय हाय काला चश्मा लगा के बैठी है मम्मी। तो चलो चले, अब हम आ गए भाभी का चेकअप कराने। भाभी के स्कैन को लगना है अभी टाइम, तो हम कर रहे हैं वेट गाड़ी में, और भूख लग गई थी बहुत ज्यादा हम तीनों को ही, तो मैंने ये केक यहाँ से लिया पास की बेकरी से और कुछ सैंडविच ऑर्डर किए हैं कि खा लेते हैं। हमारी मूशी ने दूध पी लिया है, वो बर्पी कर रही है, तो ये अभी की सिचुएशन है। तो ऐसे हम वेट कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम गाड़ी से बाहर निकल के कुछ करें या खड़े हों, तो इसलिए हम गाड़ी में ही बैठ के वेट कर रहे हैं सबकी। मुशी उसका नाम ही मूशी रह गया, बड़े होके हमें गालियां निकालेगी अगर हमने इसका नाम नहीं बदला मूशी से, तो कहेगी कहाँ से ढूंढ के तुम लोगों ने मेरा नाम रखा, मेरा नाम बिगाड़ दिया मूशी। अच्छा नाम है, इतना सुंदर नाम है। अच्छा नाम है मूशी, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। अच्छा रीदी नाम तो मेरे मुंह पे ही नहीं चढ़ रहा। मूशी अच्छा लग रहा है बोलना, मूशी अच्छा लगता है ना। मूशी बोलना हमने इसको, ये हमारी मूशी है। है ये हमारी मूशी है। वैसे मूशी का मतलब क्या होता है? ऐसे ही बोल दिया था, मैं तो मासी का मूसी बनाती थी ना, नोबिता को छेड़ती थी मूशी आई है कह के, तो गिरीश ने ऐसे ही अचानक से ऐसे ही बोल दिया मूशी। सैंडविचेस हमारी ऑर्डर अभी आया ही नहीं था, आने ही वाला था कि इतने में ही कॉल आ गया कि आप स्कैन के लिए आ जाओ, दो पेशेंट्स को अभी टाइम लगेगा, तो आप अगर आ सकते हो तो आके पहले स्कैन करवा लो। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, और जैसे ही मैं सैंडविचेस के लिए मना करने गई उतने में ऑर्डर भी आ गया। तो अब मम्मी मूशी गाड़ी में बैठे हैं, पर अभी मूशी को पकड़ा है इसलिए मम्मी खा नहीं रहे, तो पहले हम स्कैन करवाएंगे फिर उसके बाद ही खाते। बहुत ज़्यादा वेट करनी पड़ी हमें, एक डेढ़ घंटा वहाँ पे, और MRI हो गई है, तो अब उन्होंने कहा है कि कल रिपोर्ट मिलेगी, एक डेढ़ बजे के बाद वो फ़ोन करेंगे कि रिपोर्ट रेडी आके ले जाओ। तो तब तक के लिए फिर अब हम घर जा रहे हैं। सुबह के 12 बजे के निकले हुए थे हम दोस्तों, और अभी शाम के 6 बज गए हैं, इतना टाइम हमें लग गया है, बड़े बड़े काम थे हॉस्पिटलों के, तो इसीलिए टाइम हो गया। बेचारी थक गई है। हाँ बच्चा थक गया, इसका अभी ये परेशान करेगी, ये रात को तंग करेगी। छुट्टी हो गई। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और जो वोट है उनका रिजल्ट भी आ गया है, तो आप सभी को पता लग ही गया होगा,
तो मुझे भी पता लगी क्या पूरा दिन आज हमें यही देखते रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस और दूसरी पार्टीज ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। जो पंजाब के रिजल्ट रहे वो भी बहुत अच्छे रहे और खुशी की बात है। जैसा भी हुआ अच्छा हुआ, जो जितना डिजर्व करता था उसको मिला। कंगना रनावत भी जीत गई है हिमाचल से। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो टोटली जिसने जितनी मेहनत की थी उसको उसका फल मिला है और बीजेपी की सरकार आई है तो अच्छा ही है। देखते हैं आगे आगे क्या कुछ होता है, मगर रिजल्ट बहुत कमाल का आ रहा है। तो सभी को जो जो जीते हैं, जिनको जिन्होंने जिसको वोट डाली है, और कईयों के हारे होंगे कईयों के जीते होंगे, जिनके एमपी जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जिनके नहीं जीते तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। देखो हमारी बेबी नानी के पास बैठी है, वो कर रही है वाकिंग वाकिंग। इसने तंग तो नहीं किया? ना ये कहां तंग करती है, उसी ने किया थकावट करके। ओ काके आजा, उठ जा पापा आ गए घर में। हाँ। उठ जा पापा आ गए हैं, असि नहीं जान दे। उठ जा उठ जा, असि नहीं जान दे के पापा पापा नु। बेबे जी रसोई में क्या बन रहा है आज? दाल चावल। दाल चावल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? दालचावल। बहुत अच्छी इंग्लिश बोली आपने, दालचावल। Yes. तो ये देखिए यहाँ पे दाल दाल तो रखी हुई है, चावल यहाँ पे रखे हुए हैं, नोबिता यहाँ पे रखा हुआ है। कौन सी दाल बन रही है वैसे? एक ही तो है फेवरेट, येलो वाली अरहर। अरहर अच्छा। हाँ। अचार डाल के? हाँ। अचार डाल के, अचार के साथ खाई जाएगी। हमने ना बनाई नहीं है तब से जब से खराब गई है। अच्छा, तो हमने कहा वो बना लेते हैं उसके साथ, चलो खा लेंगे। हाँ। क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो? एक मिनट देना मेरे को, ये मैं डालता हूँ। मैंने पता क्या पता मेरे से मारोगे। हेलो नमस्ते भाभी, क्या हाल चाल है? कैसे हो? बढ़िया हैं, आप बताओ कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना खाने की तैयारी। क्या बना रहे हो खाने में? अभी तो दाल चावल बनाया है। हमारे यहाँ भी दाल चावल ही बन रहे हैं। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं आई। भैया सेलिंग पे चले गए? हाँ गाड़ी चले गए। तो और मन्नू पढ़ाई कर रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा, कल से देखेंगे। अच्छा हाँ। और बताओ, मुसी 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 बढ़िया दूध पी रही है माँ का। अच्छा, और जिंदगी में क्या चल रहा है? नहीं चल रहा तो। चलाओ फिर कुछ। सफाई होगी घर की? हाँ कर दी, सारी कर दी। तो ये आप तो छोड़ देना फिर कहीं। और लकड़ी को लगा दी दवाई दुवाई? नहीं वो अभी लेके आए, टाइम से क्यों तो चले गए थे ना। अब जब आएंगे। दिखाओ तो सही क्या सब्जी बना रहे हो, दाल चावल? वो मूंगी मसरी। अच्छा, हमारे यहाँ अरहर बनी है। ओके अभी मैं ही नहीं दुकान में लाई नहीं दाल, तूने जो थी वही बना ली। चलो जी नमस्ते। हा? नमस्ते मनुली टकुली, आप ठीक हो? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पापा को मिस कर रहा है? हाँ। झूठ नहीं कर रहा, पापा को तो तू मिस करता ही नहीं है। क्योंकि मुसी मुसी कैसी है? मुसी मुसी तो बढ़िया है। तू सिर्फ मुसी मुसी को पूछता है और किसी को नहीं पूछता है? गोलगप्पे खाएगा? नहीं। क्या खाएगा फिर? कुछ नहीं। पिज्जा? नहीं। पिज्जा मंगवाऊं? बता। नहीं। दाल चावल बने? चुपचाप दाल चावल बने हैं, बने हैं, अभी मैं खाऊंगा। हाँ फिर दाल चावल खाना चुपचाप, ठीक है? ओके। और मुसी मुसी को देखना है? हाँ।
करनी थी। देखना है पैसे लगेंगे पैसे लगेंगे पैसे। बाद में तू नहीं करेगा, तू तो झूठा है। बोलो चाचा जी पहले मेरे को पैसे कमाने दो फिर मैं आपको दे दूंगा। है हेलो मन्नू। नमस्ते। नमस्ते कैसे हो? अच्छा हूँ। ये देख लो मुशी मुशी। मालिश हो रही है मालिश। नहीं 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 रोने होगा। हाँ ये तेरे को याद कर रही है। क्या मन्नू भैया कहाँ है? मन्नू भैया कहाँ है? मन्नू भैया जल्दी आओ मुझे प्यार करो ऐसे कह रही है ये। खुद के बाल खुद पकड़ के रो रही है देखना। मुशिये। दोस्तों अभी हम करने लगे हुए हैं डिनर और ये रही हमारी मूसी मूसी यहाँ पे लेटी हुई है। इसको झूला दिया जा रहा है। आहा क्या बात है। तो ये देखिए सब नीचे बैठ के खा रहे हैं। नन्नू ने खा लिया है, बेबे खा रही हैं, बापूजी ने खा लिया है। हैं बापूजी फिर बन गई सरकार। बापू ने तो टीवी देख देख के सरकार बना दी। ससुर जी ना मेरे मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बड़े सुन ही नहीं सकते उनके खिलाफ कुछ भी। तो ये बड़े खुश हैं कि वो जीत गए। क्या लगता है कि हमारे देश के लिए मोदी जी ठीक है? हैं हैं बोल के दिखाओ ना ठीक है। क्यों ठीक क्यों है? कोई रीजन बताओ। रीजन एक कारण मोदी ठीक है। सारी दुनिया के लिए मोदी ठीक है? अच्छा क्यों? कारण क्या है? सारी दुनिया कह रहे सारी दुनिया उनके साथ राजी है। नहीं कारण क्या है राजी होने का? मैं वही तो कारण मेरी गल सुनो। अद्धे नाल ज्यादा जिहड़े हैगे आ हिंदुस्तानी गरीबी दी थल्ले रेखा च सिगे जिन्हां नूं कढ के बाहर लिया जांदा है। अच्छा गरीबी की रेखा में थे उनको बाहर निकाला है उन्होंने। अच्छा प्रदेश में गरीब कितने हैं? गरीब बग्गे 48% सिगे। हां हुण किन्ने हो गए? हुण नहीं गए। नहीं है गरीब नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं गरीबी रेखा से नीचे वालों को और 25 करोड़ को हम नौकरियां दे रहे हैं। मतलब एक एक हाँ फिर किसको देते हैं राशन? सड़ रहा है कह रहे वो खाना पड़ा। पर चलो जो भी है हमारे फादर साहब मोदी जी के बहुत बड़े फैन। नोटा दबाया था बेबे हमेशा नोटा दबाते हैं। नमस्ते मम्मी। सो गए थे? कहाँ सोए हो पहले ये दिखाओ। मैंने छापा मारा है आज देखने के लिए कि एसी कमरे में सो रहे हो कि नहीं। कहाँ हो? लाइट जलाओ लाइट जलाओ मैं देखना चाहता हूँ। एसी दिखाओ एसी चलाया हुआ है कि नहीं। हाँ चलो कितने नंबर पे रखा है? 26 पे रखा है। बेड पे क्यों नहीं सोए? अरे नहीं मेरे को इधर अच्छा लगता है। ले छापा मारा छापा बढ़िया गया। हाँ डॉक्टर कह रहे कि नॉर्मल है वो तो और वो चीज धीरे धीरे ठीक हो जाती है 2 साल के बीच बीच में। चलो जल्दी आते हैं फिर आपके पास। ओके बेटा। पापा कब आ रहे हैं? कल मूसी मूसी को फीड करवाने के बाद नोबिता को खाना खिलाया जा रहा है। देख लो खाएगा ऐसे? ये मेरे हाथ से खाता है। हैं? मार रहा नखरे खाएगा। तो ठीक है दोस्तों ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद। खुश रहिए आबाद रहिए। सभी को बहुत बहुत बधाई हो रिजल्ट आ गया है और सभी खुश रहो एंजॉय करो। बाय बाय।